हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। देश के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के मौजूदा सीजन में प्रियंका चौधरी शो की चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक है। एक्ट्रेस हमेशा अपने स्टैंड को लेकर क्लियर रही है और घर में लोगों के खिलाफ बोलने में कभी नहीं कतराती। प्रियंका चौधरी की शुरुआत में अर्चना गौतम से दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों की अनबन हो गई। हाल ही में प्रियंका के भाई बिग बॉस के फैमिली वीक में शो के अंदर गए थे। शो से बाहर आने के बाद प्रियंका के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है। बीते एपिसोड में एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के सवालों का प्रियंका ने जवाब दिया। सिमी ग्रेवाल ने उनकी च्वाइस को लेकर कुछ सवाल पूछे। सिमी ग्रेवाल ने अपने सवालों में जब प्रियंका से फेम, पैसा, शोहरत और प्यार में से एक चुनने के लिए कहा, तो प्रियंका ने बिना समय गवाए कहा कि उनके लिए प्यार सबसे ऊपर है। मगर दूसरे वक्त में प्रियंका ने कहा कि पैसा तो लाइफ के लिए जरूरी है ही, क्योंकि मैं बहुत कमाना चाहती हूँ ताकि जो मेरी दीदी है जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई एक अच्छे स्कूल में करा सकूँ। प्रियंका का पुराना वीडियो शिव के फैंस के लिए गिफ्ट की तरह था। उन्होंने एक क्लिप वायरल कर दिया। लोग कमेंट कर प्रियंका को भला बुरा कहने लगे। शिव और प्रियंका के फैंस के बीच एक जंग सी छिड़ गई है, क्योंकि प्रियंका अक्सर ही अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कहती दिखती हैं। इसी वजह से वो ट्रोल हो रही थी। प्रियंका के भाई योगेश को रास नहीं आई और उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में सफाई दी। उन्होंने लिखा कि हम 6 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मनीषा दी, सुमन दी, परिधि, प्रीति दी और विकास। विकास, सुमन दी और प्रीति दी आर्मी में है। यहाँ परिधि हमारी सबसे बड़ी बहन की बात कर रही है। मनीषा दी जो कुछ साल पहले अपने पति से अलग हो चुकी है, ये क्लेरिफाई करके मैं खुश हूँ। लव यू परिधि। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान से 4 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक कर रहे हैं। ऐसे में फैंस भी पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच पठान की ओटीटी रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है। बता दें कि शाहरुख खान की एक्शन फिल्म पठान की थिएटिकल रिलीज से 9 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यशराज फिल्म्स को फिल्म में ओटीटी रिलीज के लिए कुछ बदलाव करने का निर्देश दिए। इसी दौरान खुलासा हुआ कि पठान 25 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है। दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान को पहले ही सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा अपूर्व किया जा चुका है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर पठान 25 अप्रैल को प्रीमियर होगी। हालांकि इससे पहले रीसर्टिफिकेशन के लिए से CBSFC को फिर से सबमिट करना होगा। हम बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पठान के मेकर्स को विजुअल और हियरिंग इम्पावरमेंट्स वाले लोगों के फायदे के लिए फिल्म के ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी सबटाइटल्स, क्लोज कैप्शन के साथ साथ ऑडियो डिस्क्रिप्शन मुहैया कराने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने दिए निर्देश के मुताबिक बदलाव करने के बाद अब उन्हें सर्टिफिकेट दोबारा लेना होगा। टीवी शो बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट निमृत कौर आलूवालिया का नाम उनके को स्टार माहिर पांडे के साथ जोड़ा जाता रहा है। निमृत ने कई बार शो में जाहिर किया कि वो रिलेशनशिप में हैं। यहां तक कि सलमान खान ने भी बता दिया कि एक्ट्रेस का बॉयफ्रेंड है। हालांकि एक्ट्रेस ने कभी भी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। अब माहिर ने खुलासा कर दिया है कि वो रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में माहिर ने कहा कि बतौर एक्टर हमारी जिंदगी में सब कुछ छुप नहीं सकता, लेकिन हम कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पास अधिकार नहीं होता। ऐसा सभी एक्ट्रेस के साथ होता है। अगर वे किसी के साथ डिनर या लंच करें या स्पॉट हुए तो उनके अफेयर की चर्चा हो जाती है। यहाँ तक कि कपल को कुछ मालूम भी नहीं होता, उनकी शादी की डेट तक सामने आने लगती है। इसलिए आप ऐसे ड्रामा नहीं चाहते हो। मेरा मानना है कि उनकी प्राथमिकता है। अगर वो अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना चाहते हैं तो उनका फैसला है। उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसके बारे में पूरा देश जानता है, कि यहाँ तक कि सलमान खान ने भी ये कहा है। मिस यूनिवर्स 2022 का ताज अमेरिका की आर्बोनी गैब्रियल के सिर चढ़ गया है। आर्बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 को क्राउन पूर्व मिस यूनिवर्स भारत की हरनाज कौर संधू ने पहनाया। वाकई ये प्राउड मोमेंट था भारत के लिए। इस दौरान हरनाज काफी इमोशनल हो गई। इस खास मौके पर हरनाज शानदार ड्रेस में नजर आई। ये सच है कि उनकी ड्रेस काफी यूनिक थी। पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू की ड्रेस पर बेहद खास तस्वीर छपी हुई थी। इस बड़े मंच पर हरनाज ने सुष्मिता सेन और लार दत्ता को ट्रिब्यूट दिया, जो उनसे पहले भारत का नाम दुनिया भर में रोशन कर चुकी हैं। हरनाज की ड्रेस के बैक साइड पर मिस यूनिवर्स 1994 सुष्मिता सेन और मिस यूनिवर्स 2000 लार दत्ता की फोटो बनी हुई थी। बता दें कि मिस यूनिवर्स का खिताब 3 बार भारत ने अपने नाम किया है। इस खास मौके पर पूर्व मिस यूनिवर्स ने ब्लैक और सिल्वर कलर का खूबसूरत गाउन पहना था, जिसे हैवी फ्लोर मटेरियल के साथ तैयार किया गया था। इसके साथ ही हरनाज के बाल वेवी स्टाइल में खुले थे। वहीं स्मोकी आई और ब्रॉन्ज मेकअप हरनाज को ग्लैमरस लुक दे रहा था। इस ड्रेस को शाई सिंधे ने तैयार किया था। और ऐसी ही मसालेदार मजेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।